रायपुर के आउटर इलाकों में चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। रायपुर से लगे मंदिर हसौस क्षेत्र में चोर लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन चोरों को पकड़ने में पुलिस के हाथ अब तक खाली ही है। मंदिर हसौस के गैलेक्सी न्यू टाउन और टेकारी सोसाइटी में पिछले 3 महीनों में 10 से ज्यादा बार चोरों ने अलग अलग घरों में ताला तोड़े है, जिसमे लाखों का सामान लेकर चोर चंपत हो गए। देख लीजिए कैसे दबे पाव गैंग लोगों के घरों की रेखी कर रहा है। 1, 2, 3, 4 सदस्य है इस गैंग में। गैंग बाकायदा अपने साथ कटर लेकर आते हैं। गैंग के सदस्य किसी भी कॉलोनी में घुसने से पहले अपनी चप्पल निकाल कर रख देते हैं। उसके बाद नंगे पाव कॉलोनी में दाखिल होकर घरों की रेकी करते हैं। जहां मौका मिला वहां हाथ साफ कर जाते हैं। हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने वहां के लोगों से बात की, सुनिए उनका दर्द। चोरी हो रही है, दिन में भी चोरी होने लगी इधर पिछले 1-2 महीने से, और अब तक पिछले 2 महीने में करीब 5 से 7 घरों में, और 6-7 महीने का अगर जोड़ लेंगे आप एक तो करीब 12 घरों में चोरी हो चुकी है। यहाँ पे पुलिस आती है, अपना सब ये करती है, देखती है, उसके बाद जो उनको कैमरा का जो भी अगर आ जाता है उसको दे रहे हैं, तो उसके बाद भी मतलब कुछ पकड़े नहीं गए आज तक, ये कहना चाहिए। 4 लोग दिख रहे हैं उसमें कैमरे में, और 4ों ने टोपी और मास्क पहना हुआ है, और रात के करीब 3 बजे के लगभग आए हैं। उस समय हम सो रहे थे, हमें तो पता नहीं चला, बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हो गया है कैमरे के द्वारा। तो हम लोग भी सकते में आए कि भाई इतना चोरी होने का समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है करके। तो वो नल है, पंखा है, जो नया नया घर बन रहा है वो सामान चुरा के ले जाते थे, अभी तो दिन में भी आते हैं। सुना आपने, महिलाएं डरी हुई है, असुरक्षित महसूस कर रही है, थाना में शिकायत भी की लेकिन कार्रवाई नहीं होती। लेकिन पुलिस इस गैंग के आतंक से बचाने के लिए क्या कर रही है, इसको लेकर भी हमने एसपी से बात की। पुलिस तो भरोसा दिला रही है कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। क्राइम ब्रांच भी धरपकड़ में लगी है, कुछ को तो पकड़ भी लिया है। परसों चोरी हुई थी, वारदात हुआ था, उसमें फिर पुलिस वाले लोग आए थे और एक बार बार सर्च करके गए थे कौन कौन आया था नहीं आया था करके, और फिर कल और एक बार आए थे। उसके बाद फिर हम लोगों कोई अपडेट ही नहीं मिलता कि चोर लोग पकड़े गए हैं, कि ये चोर थे या वो चोर थे वाला करके। चड्डी बनियान गैंग ने बेधड़क अपने काम को अंजाम दे रहा है। चोरी नहीं बल्कि ये गैंग पुलिस और कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब चड्डी बनियान गैंग का नाम उछला हो, लेकिन अब तक इस गैंग पर नकेल कसने में नाकामी ही हाथ लगी है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।